हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम अदाब नमस्कार जी सारिआं नूं। पंजाबी कॉर्नर ते तुहाडा स्वागत है। ते अज दी वीडियो विच आपां गल करांगे जी सज्जो सूई मज्ज जां गां दी खुराक बारे। वी पहलां जिहड़े 15 दिन हुंदे ने जां 1 महीना हुंदा आपां जिहड़ी गां जां मज्ज अपनी ताजी सूई होई है उहनूं आपां की खुराक देईए तां कि अपनी दुद्ध है जिहड़ी मज्ज जां गां उह दुद्ध चढ़ सके। क्योंकि जी पहले जिहड़ी 15 दिनां दी जां महीने दी खुराक हुंदी हैगी ते उस टाइम सानूं ज्यादा ध्यान रखना पैंदा है। यही जी खुराक होंगी ये अपना पशु है जो दुद्ध चढ़ता है। चलो जी आप वीडियो शुरू करते हैं तो हम दसते हैं ये वास्ते आप की समान लिया तो की पा सकते हैं। क्योंकि जो अपना दूसरा चैनल है ना पिंड पंजाब का पिंड पंजाब के वो उपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तुम दसो थोड़ी मज सूई है तुम कि पाने थोड़ी जी वीडियो लेट होगी। तो चलो जी आप दसते हैं। सब तो पहले आप चुल्हे अग बाले सब तो पहला ना तुसी कोई भी भांडा ले लेना जिदे विच आपां इह बनावांगे मज्ज दा दलिया मज्ज दा खाणा। ते उंज तुसी पतीला भी लै सकदे हो कोई भी भांडा जिहड़ा तुहाडे कोल हैगा, पर मैं ना इह देगा स्पैशल इसे कम वास्ते लिआंदा होया वी इहदे विच आपां मज्ज दा काढ़ा बना सकीए जां लेटी बना सकीए मज्जां दे खाने वास्ते आ। क्योंकि जी इह ना देगे दे ही मौज आ जी, मैं आपां इहदे विच बना लिआ मैनूं चक के मज्ज दे मूहरे रख दिंदी आं, इह खुल्ला इह नूं इहदे विचों ही खा लैंदी आ, साफ हो जांदा बिलकुल। इस करके इह मैं देगा रखिआ गा। सब तो पहला आपां इहदे विच पावांगे पाणी। लीटर पानी पाया मैं इहदे विच ते इहनूं आपां रख लांगे जी चुल्हे ते। ते हुण आपां इहदे विच पावांगे गुड़। इह तुसीं मौसम दे हिसाब नाल पा लिओ ते जिन्ना कि तुहाडी मर्जी है जिहड़ा झल सकदी है। कई पशुआं नूं ना गर्मी दे विच गुड़ दे नाल मोक लग जांदी हैगी, एडा कड़ाला भी बहुत है जी, इहदों घट दा कोई फायदा नहीं। उंज जे तुहाडी मर्जी गां झलदी तां जिहड़े तुसीं दो पा सकदे हो। क्योंकि इह आपां जिहड़ी खुराक दिंदे आ ना इह आपां दिन च इक वार देणी आ, वी इस तरां नहीं सवेरे शाम दो वार देवांगे। इस करके तुसी दो डले भी पा सकते हो कोई ज्यादा नहीं। फिर पानी दे विच आपां गुड़ पावांगे। तुसी पा के देख लियो जे तुहाडी मज्ज इस तरह लगे भी मोक मारती हैगी तां तुसी गुड़ घट पायो। ते उह तां पा दित्ता जी आपां गुड़। इह हैगी मेरे कोल लेटी दलाई होई। ਇਹ ਲੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਜਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 40 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਪਾ ਲਈ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਪਾ ਲਈ, जिस तरह आप 40 किलो कणक पा ली, 20 किलो मक्की पा ली, 10 किलो बाजरा पा लिया, इस तरह करके जी आप 60-70 किलो है जो आप समान है जो बना लेना है लेटी दड़ा लेनी है। जो थोड़ी मज्ज खाती है तो 10 किलो कणक घट कर लो, तो 10 किलो सोयाबीन भी पा सकते हो ताकि मज्ज के जी प्रोटीन की कमी हैगी ना आवे तो पूरा हो। हैगी है जी लेटी। इस तो अगे है जी अपने को बड़ेवे, तो यह इन्ने मैं बड़ेवे पानी हूँ हैगी। मैं मज्ज में बड़ेवे 10 किलो पानी हूँ मैं जो ताजी मज्ज सूंदी है 10 किलो बड़ेवे। तो जे गर्मी है 10 किलो गुड़, जो सर्दी है फिर गुड़ मैं 15 किलो भी पा दिनी हैगी। तो बस मज्ज का हिसाब होंगे जी जिन्ना चेर पशु वधिया चाह ना खाता है। तो पहले जिवें 15 दिन 10 दिन तुसीं गुड़ पाई चलियो, उस तो बाद कल्ली लेटी पाई चलियो। पहले आप गुड़ पावांगे 15 दिन बड़ेवे, तो गुड़ जरूर नाल पायो ताकि जी मज्ज साडे दुद्ध वधिया देवे। तो चलो जी इह पानी उबलदा हैगा, तो एक आप इहदे विच पावांगे जी मिठा सोडा। वह मैं लिआउणी आ चैक किधरों, तो यह हैगा जी मेरे को मिठा सोडा। तो डेली मैं ना यह पा दिनी हाँ 2 चमचे मिठे सोडे के पानी हैगी, तुम 3 चमचे भी पा सकते हो। बस अपनी मज्ज का हिसाब रखना, जो मज्ज थोड़ा लगता भी मोक मार दी गोहा ढिला कर दी है फिर तुम घटा दो। तो मिठा सोडा पाना मज्ज वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ना पशु में कई बार सून तो बाद इनफेक्शन हो जाती है, वह होंगे ना दुध के स्मैल जी आने लग जाती है। इस करके जी मिठा सोडा तुम 300 ग्राम मिठा सोडा पा सकते हो रोज़, 3-3 चमचे 2-2 चमचे के ना 300 ग्राम पाइया या 250 ग्राम 300 ग्राम तुम मिठा सोडा ताजी मज्ज सूई में या ताजी गां सूई में खवा सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिच आप पा देंगे ये 2 चमच पाए जमें, तो इनू आप पानी उबलन देंगे
अपने टाइम के हिसाब के बना लियो जे थोड़े को ईवनिंग का टाइम वधिया शाम को लेटी रिन्हण का टाइम ताथने रिन्ह के तुसी इस तरह ढक के रख देनी है सवेरे पा दियो जे तुसी सवेरे रिन्ह सकते हो तो तुसी इस तरह ढक के रख दे शाम पा दियो बस एक टाइम पानी है आप सब तो पहला ही आप पानी उबलन दे दें पानी उबल जूगा कई लोग ना इन रिंदे नहीं है लेटी इस तरह ही पा देंगे ने पर जी जी रिन्नी हुई लेटी होंगी है ना जो दलिया होंगे रिन्या हुआ मझा का वह ज्यादा असर करता है भ्यौते हुए के नो चंकी तरह यह पक जाता है पहले 15 दिन तक बिल्कुल रिन्नक ही पाना है उस तो बाद बेशक ना गर्म पानी च भ्यों के पा दौ जिस तरह बिल्कुल उबलता उबलता पानी ले लिया वो आप जी लेटी आप भ्यौन देनी है तो 4 घंटे फिर 5 घंटे इस तरह इन भिजी रहन दौ जो फिर बस 5 घंटे बाद मजरू खाने वास्ते रख सकते हो पर पहले 15 दिन मैं थोड़ा जरूर जरूर सलाह दूंगी पहले 15 दिन ना रिन्नक ही पायो क्योंकि जिद पशु के अंदर गंद मंद निकल जाता है जिन्ना पशु गंद मंद झाड़ूगा उन्ना जो सर पशु का सा दुध वधूगा 2.5-3 किलो घ्यो तुसी खवा सकदे हो मझ नूं इह हैगा जी डालडा जे तुसी देसी खवा सकदे हो उहदे वर्गी तां फिर कोई रीस ही नहीं लो जी पानी अपना उबलन लग गया इहदे विच पावांगे हुण आपां बड़ेवें पावांगे लेटी लेटी ना एकदम सारी नहीं सुटनी हैगी नहीं गठा पै जानी है थोड़ी थोड़ी करके पाउणा है दाणा नाल हुंदे कड़छी नाल हिलाई जाणी नहीं गठा पै जांदियां ने जे आपां छड़ दईए लो जी लेटी आप सारी पा दी है तेनू आप ढक के चंगी तरह पकड़ दें हम बिल्कुल नहीं ढकना क्योंकि उपर भी निकल जूगी बिल रखा देखो जिस तरह यह अग हैगी है ना तो अपनी जो पानी उबल गया लेटी रिझण लग गई है तो बस आप अद्धी क पाथी की होर लोड़ पेगी बस फिर इसे अग से यह जी बिल्कुल पक जूगी सारी रात इन्हें पया रहना तो जी अग होगी ना वो सेक न ही पक जाने बस जिन्ना जो ये ना आप लेटी पाती उस जी अग हैगी उस तो बाद अद्धी क पाथी होर लावे आप सेक का हिसाब रखियो बहुत ज्यादा ना रिन्ह दौ क्योंकि बाकी तो यह ना मठे जो सेक तो आप ही बन जाती है चूल्हा बहुत ज्यादा भख्या होंगे ना क्योंकि जो 8-10 लीटर पानी उबलना होंगे है उस जी काफ़ी ज़्यादा सेक होंगे है लो जी बस हूँ ये आप कोई बालण नहीं लाना तो इस तरह इन थोड़ा ध्यान रखा भी अपनी लेटी निकल ना जाए बाहर बस तुम ध्यान रखियो जी यह लेटी निकल जाती होंगी है ज्यादा अग होगी जो तुम बिल्कुल ढकता बस जो अग मठी पैगी फिर तो निकल दिया तो कोई खतरा नहीं रहना लो जी अपनी लेटी पई नूं अद्धे तो ज़्यादा अद्धा घंटे तो ज़्यादा हो गया तो अपनी जी अग है तकरीबन खत्म ही है सारी बस जी रही है सेक तो होर लेटी पक जू चलो आप तुहानूं लेटी दिखाने आगे ये देखो बिल्कुल अपना जो दलिया जी मझां दा बन के तैयार हो गया बिच बिच दी तुसी कड़छी फेरी चलो नहीं थले लग सकता है मम्मा जी आ लगदा जिवें मूंगी दाल हुंदी होवे ओट्स लो जी जम्मी जम्मी दलिया मझां नूं बहुत टेस्टी लगता है लो जी आपां नेरा हो गया इत्थे ते मैं रोटी बनाउण लग गई सी मैं रोटी बनाउंदे बनाउंदे सब्जी बनाउंदे बनाउंदे जिहड़ी अपनी लेटी है भी बन गई है मझां दलिया कहोगे लेटी कहोगे खाना कहोगे की कहोगे ते हुण ना बस इह जिहड़ी अग है देखो बिल्कुल बुझ चुकी हैगी चुल्हे दे विच जिहड़ी अग है इहदे नाल जिहड़ी इह लेटी होर पक जूगी हुण तुसीं देखो जी मैं जिन्नी किन्नी क लेटी पाई सी आह पौणा क डब्बा पाया सी ते जिहड़ा अपना इह है ना पौणा उह हो गया जिहड़ा देगा भर गया अजे इहने होर फुलना जे आपां भिउं के पाउने ना तां लेटी इन्नी नहीं फुलदी हैगी
ਜੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੂੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢੂੰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਦੇਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਧਰ ਦੂੰਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਲੇਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਥਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜੇ ਤੜਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੀ ਦੱਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਘੱਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੂਠਾ ਸੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੇ ਮੋਕ ਮਾਰੂਗੀ ਤਾਂ ਗੁੜ ਘਟਾ ਦਿਓ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਮੋਕ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਚੱਲਿਓ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਪਾਈਏ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅੰਡ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।